हेलो एवरीवन, जेई पीवाईक्यू एडवांस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। इस बार जो कंपाउंड है वो एकदम ही आसान एनसीईआरटी लेवल वाला है। तो काउंटर आयन क्लोरीन है तो क्लोराइड आना चाहिए। क्लोराइड 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 क्लोराइड, यहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेप निकाल के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो अपने को पहले समझना पड़ेगा कि पानी को क्या बोलते हैं। तो पानी का स्पेशल नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नॉमनक्लेचर में एक्वा, और इसको बोलते हैं अमीन। ये नाम अपना यूज़ होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, इनके ये नाम से यूज़ होते हैं। फिर हमें ये बताया गया कि भाई आपको अल्फ़ाबेटिकली लगाना है। अल्फ़ाबेटिकली अमीन पहले आता है कि एक्वा पहले आता है? तो अमीन पहले आता है, ठीक है। अब यहाँ पे ऑर्गेनिक वाला भी नॉमनक्लेचर साथ देगा। तो वैसे तो चार बार एक्वा है ना, और दो बार अमीन है। तो कितना अमीन लिखेंगे? डाइअमीन टेट्रा एक्वा। कितने सारे ऑप्शन में डाइअमीन टेट्रा एक्वा दिख रहा है? तो यहाँ पे ऑप्शन में एक्चुअली एक गड़बड़ है। जेई के ओरिजिनल क्वेश्चन में यहाँ पे ना प्लस टू दिया हुआ था, तो नहीं तो अदरवाइज स्पेलिंग लग रहा है कि ये सिंगल एम है ये डबल एम है। तो डबल एम वाला होता है वैसे तो, है ना, कोऑर्डिनेशन। तो उस हिसाब से भी ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। और अगर प्लस टू और प्लस थ्री दिया हो तो प्लस थ्री आएगा, ये अपन निकाल सकते हैं। क्लोरीन तीन है तो काउंटर आयन माइनस तीन, तो ये वाला कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस तीन। अमोनिया न्यूट्रल जीरो, पानी न्यूट्रल जीरो, तो कोबाल्ट पे क्या आएगा? प्लस तीन चार्ज। प्लस तीन वाला ऑप्शन नंबर डी है अपना, ठीक है। तो कन्फ्यूज नहीं होना है सी और डी में। ऑल दो बहुत सारे सोर्सेज ये बोलते हैं कि ओरिजिनल क्वेश्चन में था यहाँ पे टू क्लोराइड, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर टू, ठीक है। होपफुली समझ आया है। बाय एवरीबडी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।